अजी कौन है ये सुहाना खान? नाचना इसे आवे ना, बत्तख जैसे ये डांस करे और मीडिया के सामने अलग से हकलावे। मतलब एसआरके की बेटी हो तो क्या हीरोइन बन जाओगी आप? एक्टिंग का ए भी नहीं आता सुहाना दीदी आपको। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। देखो भाई साहब, वो शाहरुख खान है, वो साल की 2 हिट फिल्में दे सकता है और तीसरी की तैयारी भी कर सकता है, लेकिन आप शाहरुख खान की बेटी है, मतलब हीरोइन बनने के लिए कोई तो क्वालिटी होनी चाहिए। या तो आप मधुबाला जैसी बहुत खूबसूरत हो, आपको देखकर किसी बंदे की नजर ना हटे, या फिर आपकी एक्टिंग ऐसी हो कि भाई आप तो मतलब पूरे बॉलीवुड पर राज करने वाली हो। आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक टैग है शाहरुख खान की बेटी का। तो भैया, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर सुहाना का यही हाल रहा ना, तो वो जीवन में कभी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे एक बात बताओ, आपने अभी तक पक्का दार चीज का ट्रेलर तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि आप सैम और एनिमल फिल्म में बिजी हो। आप बस ये देख रहे हो कि किसे देखने जाना है। लेकिन अगर ये ट्रेलर अभी भी आपने नहीं देखा है, तो जो वीडियो अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये तो आपके पास घूम फिर कर कहीं ना कहीं से पक्का आ गया होगा। भाई, ये डांस वीडियो देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मैं शाहरुख खान से कहूं कि इन्हें घर में ही रखो। मतलब जो इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई है आपने, इन्हें जो बाहर भेजा है, अब इनसे कहो कि IAS YS बने, उस पढ़ाई का कुछ इस्तेमाल करे। कहां आप एक्टिंग में घुसी जा रही हैं, आपके बस की बात नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, इनके जितने भी फैन हैं वो भी कह रहे हैं SRK से कि भैया अपनी बेटी को घर में रखो, ना तो इन्हें डांस आता है और ना ही एक्टिंग आती है। तो भैया, आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दार चीज का ट्रेलर कैसा था, कितना बढ़िया किसने काम किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस बारे में कतई बात नहीं करने वाली हूँ। ये सब चीजें तो सुहाना की एक्टिंग देखने के बाद पता चलेगा। मैं इस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। भैया, ये डांस देखने के बाद खुद शाहरुख खान मन में सोच रहे होंगे कि अरे यार बेटा, मेरे ही डांस के कुछ वीडियो देख लेती, मतलब दर्द डिस्को में सुहाना दीदी, अगर आपने अपने पापा का डांस देखा तो कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने डांस किया है। और हर अपनी मूवी में वो इतने ही एफर्ट्स डालते हैं जितने कि वो किसी कैमियो वाली मूवी में डालते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो उन्हें हिट करके चले जाते हैं। तो एक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर से कुछ नहीं सीख पा रही हैं, तो घर से ही सीख लो, अपने पापा से कुछ तो सीख लो यार आप। चलो एक बार को इनके डांस वाली चीजों को मैं भूल भी जाऊं, तो दूसरा, आप शाहरुख खान की बेटी हैं, आपके पापा कितने अदब से बात करते हैं और आप मीडिया के सामने आते ही हकलाना शुरू कर देती है। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है, मैं आज तक नहीं जान पाई। और बिना किसी कुछ काम किए आपने जीवन में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, आपने ना तो कोई बड़ी मूवी की है, ना ही आप आर माधवन के बेटे की तरह मेडल लेकर आई हैं, आपने कुछ भी तो नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर आप मेबलिन जैसे ब्रांड की एम्बेसडर बन जाती है ना, तो थोड़ा तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था ना कि हाँ भैया, मुझे किसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और स्पीच में मुझे थैंक यू स्पीच में कुछ अच्छा बोलना चाहिए था। आपने क्या बोला है, आप लोग भी देख लो जरा एक बार इनका ये वीडियो। I can't wait for you guys to see everything that we filmed. It's an honor to be a brand ambassador for Maybelline. भाई, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको शाहरुख खान का नाम इस्तेमाल करना ही था, तो भैया उन्हें ही ले लेते यार, उन्हें ही बना देते ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान की बेटी है इसलिए आपने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। देखो सुहाना दीदी, इतनी सारी चीजें आपकी देखने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही चीज है जो एडवाइस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि फिर से अगर आप बाहर से कुछ नहीं सीख पा रही हैं, तो एक बार अपनी माताजी को ही देख लीजिए। वो शाहरुख खान के साथ तब से है जब शाहरुख खान स्टार बने भी नहीं थे, और तब से अब तक अगर वो चाहती तो वो भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, उनका जो इंटरेस्ट था, जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उसी में उन्होंने अपना करियर बनाया। तो आपको भी कुछ वैसा ही करना चाहिए। ये एक्टिंग वैक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। आपकी हालत को देख कर ना मुझे सिर्फ 3 Idiots का आर माधवन का एक ही डायलॉग याद आता है कि अब्बा, बन भी गई तो बहुत खराब एक्ट्रेस बनूंगी, ये सब मेरे बस की बात तो नहीं है। बाकी ज्यादा जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि सुहाना खान बॉलीवुड की एक अच्छी एक्ट्रेस बन पाएंगी या फिर नहीं? आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।